जी कम इन सर, नमस्कार, बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। मीडियम हिंदी है? जी सर। भूगोल आपका ग्रेजुएशन में भी है? नहीं, वैकल्पिक विषय? वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय। टर्की में क्या हुआ है भौगोलिक रूप से अभी? सर टर्की में भूकंपीय घटनाएं आई हैं जिसके कारण व्यापक स्तर पर वहाँ मानवीय क्षति और अवसंरचना में क्षति हुई है सर। तो जितना डिवास्टेशन हुआ है उतना एक्सपेक्टेड था 7 रिक्टर स्केल पर या उससे कम होना चाहिए था? सर अगर इसमें थोड़ा पहले से सचेत रहते तो थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक वहाँ विनाशकारी भूकंपों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी भी है, और कुछ वहाँ की नीतियाँ हैं जिसके कारण भूकंपी से जो क्षति हुई है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है अपेक्षाकृत। तो भूकंप के पूर्वानुमान में क्या चैलेंजेस आते हैं? भूकंपीय पूर्वानुमान में सर चैलेंजेस ये आती हैं, जो भूकंपीय लहरें हैं उनका पूर्वानुमान कर पाना इतना संभव अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भूकंप जो भूगर्भ है उसकी जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी का भी अभाव है सर। अच्छा, भारत में एक क्षेत्र है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जी सर, सुना होगा ना? हाँ सुना सर। इसका स्ट्रेच क्या है? भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है? हाँ जी सर, ये है। तो स्ट्रेच क्या है उसका? सॉरी सर, कोई बात नहीं। अंडमान सी का जो क्षेत्र है जी सर, वो भूकंपीय रूप से संवेदनशील है या स्थिर है? वह सर संवेदनशील है सर। और डेक्कन प्लेट्यू? सर वो स्थिर है सर। वो क्यों? सर क्योंकि सर वो सबसे पुरानी संरचना है और प्राचीनतम है, और वो उसका कभी बहुत लंबे समय से वहाँ पर भूकंप के प्रमाण नहीं मिले हैं, काफ़ी वो स्थिर है, कठोर चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और कोई वजह है ज्योग्राफिकल उसका? और सर वॉल्केनिक ओरिजिन है वहाँ? एक दो पाए गए पुराने समय में, तब से अब तो नहीं पाए गए दोबारा। ठीक, ज्योग्राफी को आप कैसे ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं? हाउ योर सब्जेक्ट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमन लाइफ? सर भूगोल के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का भूगोल समझने में हमें हेल्प मिलती है कि हमारा जो क्षेत्र जिसमें हम बिलोंग करते हैं, इसमें हम रहते हैं, कि उसका जो कौन सा रीजन जो ऐसा है जिसमें आपदा ज़्यादा आ सकती हैं, और कौन क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सूखे के ज़्यादा जो मतलब जलवायवीय मतलब परिणाम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सूखा है, बाढ़ है, कौन से ज़्यादा प्रभावित हैं, किस प्रकार से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस क्षेत्र में रेनफॉल ज़्यादा होता है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का जो मानव जीवन से ज़्यादा नज़दीक है, जुड़ा हुआ है? पेड़ पहाड़ नदी इनका अध्ययन, ये तो एक तरह से ज्योग्राफी में है, लेकिन कोई ऐसा भी पक्ष है क्या उसका जो मनुष्य के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है? सर मेरे हिसाब से आपदा प्रबंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण, इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। मैंने एक ब्रांच उसकी है ह्यूमन ज्योग्राफी। हाँ ह्यूमन ज्योग्राफी है। हाँ, उसमें मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तो मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, उसमें ग्रिफिथ टेलर का भी सिद्धांत आता है। तो उसमें एक नाम और आता है कांट का। जी, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जी सर। ये कौन था? सर जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, आपका वैकल्पिक विषय भूगोल है जी सर। एक नदियों से नदियों को जोड़ने की स्कीम की बात पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंसेप्ट रखा था जी सर। क्या आप समझते हैं नदियों को जोड़ने से, इंटरलिंक करने से लाभ होगा, और लाभ होगा तो क्या होगा? जी सर, लाभ तो होगा सर, लाभ कुछ चीज़ों को छोड़ दी जाए, लाभ सर ये होगा कि सिंचाई की सुविधा बेहतर हो पाएगी, और जो हमारी ऊर्जा की मतलब जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन है उसमें भी हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ पानी की बचत भी हो सकती है, जल संरक्षण भी हो सकता है, बाढ़ से भी निजात मिलेगी। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है सर। DBT का नाम सुना है? जी सर। क्या है DBT? सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या है डायरेक्ट बेनिफिट सर? इसके माध्यम से जो भी लाभार्थी होते हैं सरकार उनसे संबंधित जो भी वित्तीय सुविधाएं होती हैं डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जी सर।
के बारे में आप क्या समझते हैं? सर, रेपो रेट सामान्यतः वह दर होती है जिस दर पर RBI अन्य छोटी छोटी वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है, और रिवर्स रेपो छोटी छोटी बैंकों की सब बैंकों बैंकों का अदर जो बैंक हैं उनको वाणिज्यिक बैंकों को। और सर, जो रिवर्स रेपो रेट होती है जो अन्य बैंक होती हैं जिस दर पर अपनी जमाएँ RBI के पास जमा करती हैं उसे सर रिवर्स रेपो कहते हैं। ठीक है, जब रेपो रेट RBI बढ़ा देती है जी सर, उससे मुद्रा स्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, रेपो रेट जब बढ़ जाती है तो लोन महंगे हो जाते हैं, परिणामतः जो मुद्रा है उसकी लोगों के पास कमी होती है, तो मुद्रा स्फीति सर कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल होती है, EMI बढ़ जाती है। सर इतना अच्छा, चलिए ये बताएं कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किन्हीं 3 अग्रणी जनपदों का नाम बताइए। खनिज समझते हैं ना जी सर? बालू, गिट्टी, पत्थर जी सर, मोरंग सर, मिर्जापुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज सर, और सोनभद्र। अंतिम प्रश्न ये बताए कि सपोज आपको किसी तहसील में SDM बना दिया जाता है जी सर, तो वर्क कल्चर सुधारने के लिए, कार्य संस्कृति सुधारने के लिए, और आजकल एक शब्द है गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित हो आपके तहसील में, इसके लिए क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे सर? अगर सुशासन से आप क्या समझते हैं, पहले तो सुशासन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो बताइए, फिर उसको अपने तहसील में क्रियान्वित करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सर, सुशासन का तात्पर्य है कि शासन की जो भी नीतियाँ हैं वो वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचे और जन समुदाय का शासन प्रति विश्वास भी बना रहे, और कोई भी व्यक्ति वंचित वर्ग के रूप में ना उभर कर सामने, वंचित वर्ग भी है उसे भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। ठीक है, आप क्या करेंगे तहसील में सुशासन स्थापित हो जाए? सर, तहसील में अगर मैं जाता हूँ, मुझे कार्य करने का अवसर मिलता है, तो सबसे पहले मैं सभी लाभार्थियों को चिन्हित करूंगा और अपने शासन जो मेरी टीम होगी उनके साथ बैठकर सामंजस्य बनाते हुए वंचितों की पहचान करूंगा कि वास्तव में वंचित कौन कौन है और जो लाभार्थी वास्तव में बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। तो मेरी प्राथमिकता सर ये होगी शासन की उन नीतियों को लाभार्थियों तक ईमानदारी के साथ। आप क्यों लाभार्थी तक ही कन्फाइंड हो जा रहे हैं बार बार? सॉरी सर, सुशासन तो हर व्यक्ति के लिए सुशासन होता है, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, आम जनता के लिए, सबको सुशासन चाहिए ना। जो जन समुदाय होगा सर, केवल लाभार्थी तक मत कन्फाइंड होइए ना। बताइए, सॉरी, जन समुदाय तक जो भी उसके योग होगा उसके लिए प्रोवाइड करेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। यूपी में कितने मंडल है सर? 18 मंडल है। अच्छा, स्टेट कैपिटल रीजन, अभी एक यूपी गवर्नमेंट ने नया कंसेप्ट 2 दिन पहले निकला था पेपर में, क्या है स्टेट कैपिटल रीजन? सर, NCR की तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है। हाँ, कौन कौन जिले हैं उसमें, कितने जिले हैं सर, इस बारे में कंफर्म नहीं। चलिए ठीक, मैम हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। मैम अभी भी ये निर्माणाधीन है और ये सबसे नवीनतम पर्वत है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो गंगा का मैदान है उसका निर्माण किस तरह से हुआ है? मैम गंगा के निर्माण में कई विचारधारा हैं, इनमें एक विचारधारा है अग्रदेश का सिद्धांत। इसके माध्यम से पहले जो यहाँ का उत्तर का मैदान है, पहले यहाँ पर गर्त हुआ करता था, तो हिमालयन नदियों के माध्यम से जो भी अवशिष्ट लाए गए उन अवशिष्टों के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ। अच्छा, ये देखा गया है कि गंगा नदी का जो जल है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसका क्या रीजन है? मैम इस मामले में मुझे इतना पता है कि ऐसा बताते हैं कि जो उसकी जो जल है इसमें ये पहाड़ों से होकर आता है, तो उसमें विभिन्न न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन का भी स्तर ठीक ठाक होता है। हाँ सुना तो है मैम, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये बताइए आप, जैसे गंगा नदी गोमुख से निकल कर आ रही है, तो पापा मोर सुना है नाम आपने? पापा मोर सुना है,
भूगोल आपका है विषय ना? जी सर। लोकल ज्योग्राफी से परिचित नहीं है तो स्थानीय आपका पूछना यह है कि फाफा मऊ गंगा जिधर से निकलती हैं उत्तराखंड से, वो आती हैं पहले फाफा मऊ पड़ेगा कि संगम? इलाहाबाद में कभी कोई आपके आइडिया नहीं है उसके बारे में? नहीं नहीं, मैं सर दूसरी बार आया हूँ। ओह सॉरी सर, मुझे कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन मैप आपने देखा होगा। हाँ जी, ये मुझे बताइए पॉपुलेशन ज्योग्राफी की विषय वस्तु क्या क्या हो सकते हैं या होते हैं? पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बस्तियां हैं, लिंगानुपात है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, और मात मृत्यु दर है, जनसंख्या है। पक्षाप कपासी मेघ के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैम ये बादलों का एक प्रकार है और सामान्यतः ये उच्च अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ। वर्षा के मेघों से होती है। कपासी बरसी मेघ। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। मैं कहूँ जी जी थैंक यू सर, आपका बढ़िया इंटरव्यू था, ठीक है, आपको नॉलेज अच्छी है, तैयारी ठीक है। जो वैकल्पिक विषय आपका भूगोल है, थोड़ा उस पर और जी सर, जो भी जितने सारा टाइम बचा है अब तो सरकार बचा ही है, थोड़ा वो पढ़ लीजिए, बाकी सब रिवाइज कर लीजिए, और कुल मिला के आपका बढ़िया है सब चीज़, अपीयरेंस, इंट्री, लैंग्वेज, टोन सब बढ़िया है। अच्छा बोर्ड है सर यहाँ का, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ इंटरव्यू। नहीं नहीं, आपके शानदार बोर्ड नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मतलब सर ये है कि मैंने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया मुझे सही तरीके से गाइडेंस नहीं बताएगा, कोई कहता है कोर्ट बंद कर लो, कोई कहता है कोर्ट खोल लो, कोई कहता है टाइम। हम बता दे रहे हैं आपको, सुनिए, पहली बात तो यदि कोर्ट बंद करना है केवल ऊपर वाला बटन बंद करेंगे, ये वाला बस, नीचे वाला खुला रहना चाहिए नंबर वन, ठीक, एक चीज क्लियर हो रही है। दूसरा ये है कि जो आप किए रहिए वो वही किए रहिए, नहीं कि यहाँ आके खोलने लगे या यहाँ बंद करने लगे। जब आप आ गए तो मतलब ऐसे आए हैं कि यहाँ यदि आपको लगे कि नहीं खोल लो तो खोलने मत लगिए या बंद करने मत लगिए, ठीक है? एक तो ये क्लियर हो गया, शंका है बताइए, मैं समाधान। मेरा सजेशन ये है कि टाई और अनटाई, बटन और अनबटन, जिसमें आप सहज रह सकें वैसा रहिए। तो मैं ये सीख है पोजीशन ही वाले। और सर टाई सही बंधी हुई है, लोग उनका टाई ठीक नहीं बांधते हो? नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा 19-20 सबका रहता है, वो ठीक कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। और टाई थोड़ा 19-20 है तो उससे बहुत नंबर का असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सर। और जो क्वेश्चन ना आए खाली उसके लिए एक शब्द बना है बढ़िया, सबसे बढ़िया, सॉरी सर, बाकी कुछ नहीं कहिए कि सॉरी सर, बाकी चुप हो जाइए सर। अगर मानने की कोशिश मत कीजिए, गलत आंसर मत दीजिए और अनुमान मत लगाइए। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, मान लीजिए मैंने शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन सॉरी बोल दिया तो सर कोई दिक्कत नहीं? ऐसा नहीं होता जनरली, लेकिन हो जाए तो उससे कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ये नहीं उम्मीद करता कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछा तो 20 क्वेश्चन बता दें आप, 25 में 18 ही बताइए, 17 बताइए, 16 बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताने का तरीका ठीक हो, आप में कॉन्फिडेंस झलकता हो, बस बाकी बढ़िया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।